हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना डिनर रूटीन। और डिनर में आज मैं बना रही हूं मिक्स वेज की सब्जी और पराठे। तो सबसे पहले मैं सब्जी के प्रिपरेशन कर रही हूं, तो उसके लिए मैं सारी जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें चॉप कर लूंगी। मैं इसमें डाल रही हूं मटर, गाजर, गोभी, आलू और जो पत्ता गोभी है वो डालूंगी, टमाटर डालूंगी। तो ये सब सब्जियां मैं इसमें ऐड करूंगी। जो भी अभी सीजनेबल वेजिटेबल्स आ रही हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और आप चाहें तो अपने मन की जो भी सब्जी इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिक्स वेज तो उसमें कोई भी आप सब्जी ऐड करेंगे तो अच्छी लगती है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। उसके लिए सारी जो सब्जियाँ हैं उनकी चॉपिंग कर रही हूँ, और मटर वगैरह है तो इसको मैं छील लूँगी। तो बस उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्जी। मैंने सारी चॉपिंग कर ली है और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गरम होने दूंगी, और जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, और साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियों को कूट कर इसमें ऐड करूँगी, और 2 तेज़पत्ते भी इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी सारी वेजिटेबल्स जिन्हें मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। और अभी मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड नहीं करूंगी, मैं थोड़ी देर बाद इसमें पत्ता गोभी ऐड करूंगी। तो अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर दूंगी और साथ में नमक ऐड करूंगी और इन्हें थोड़ा सा ढककर पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पत्ता गोभी, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है तो वो जल्दी ही पक जाता है। तो उसे मैं 1-2 मिनट बाद इसमें ऐड करूंगी और इसे मैं ढककर जो है पका लूंगी। तो मैंने सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ढककर पका लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर और साथ में इसमें ऐड करूंगी टमाटर। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं तो उन्हें काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी, जो बेसिक मसाले हैं मैं इसमें वही ऐड करूंगी, और साथ में ऐड करूंगी थोड़ा गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमें किसी भी तरह का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों में जो है ऑलरेडी मॉइस्चर है। तो इसे हम ढककर बीच बीच में चलाते हुए इसी तरह से सब्जियों को पका लेंगे।
तो सब्ज़ी जो है अच्छे से पक चुकी है, मिक्स वेज बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और फिर मैं सेक लूँगी पराठे। तो मेरा डिनर बनकर रेडी हो चुका है और मैंने लगा ली है अपने और अपने हस्बैंड के लिए प्लेट। तो ये है मिक्स वेज एंड ये लहसुन की चटनी, ये होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है एंड ये पराठे हैं और थोड़ी सी सैलेड ली है। तो बस यही था आज का मेरा डिनर रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि उससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।